엑스레이. एक्सरे एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसमें काफ़ी एनर्जी होती है, वो काफ़ी पावरफुल होती है एक्सरे, जो किसी लेयर में काफ़ी दूर तक पेनिट्रेट कर जाती है। पेनिट्रेटिंग पावर जो है उसकी बहुत अच्छी होती है। तो उसके पर्पस क्या हैं, यूजेस क्या हैं, ये तो बाद में आएंगे, लेकिन उसे क्रिएट कैसे करते हैं या बनाते कैसे हैं एक्सरे, और उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं वो देखें। तो व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक अ टारगेट ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई एटॉमिक वेट लाइक टंगस्टन, प्लेटिनम, मॉलिब्डेनम, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। तो इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं, है ना, इन एलिमेंट्स पे जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स गिराए जाते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इसकी खास बात होनी चाहिए, वो एक तो हाई एटॉमिक वेट के होने चाहिए और साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट भी उनका हाई होना चाहिए। देखें, हाई एटॉमिक वेट क्यों होना चाहिए तो अभी बात की बात है, लेकिन ये मैं बता दूं, हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब इस टारगेट पे टकराते हैं तो उसे गर्म कर देते हैं, तो बहुत हीट होने लगेगा वहाँ पर, तो हीट डेवलप होगा तो मेल्ट हो सकते हैं वो, तो इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। क्या एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाई रोएंटगन, therefore they are known as Roentgen rays। तो ये नाम याद कर लीजिएगा, साइंटिस्ट के नेम पे है ये, है ना, ये बोला जाता है एक्सरेज को ऐसे भी। और एक रेंज याद कर लीजिएगा, वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1 नैनोमीटर या 1 एंगस्ट्रॉम, ये बहुत जरूरी है एक्सरे की रेंज याद करना, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम हो या 0.1 नैनोमीटर। कैसे प्रोड्यूस होता है जरा देखें, एक डिवाइस है कूलिस ट्यूब, एक्सरे ट्यूब, वो ऐसा होता है। अभी आपने देखा था कि मेन जो स्लाइड थी उस पर ये फिगर बनी हुई थी, ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ था, डिवाइस एक बना हुआ था, वही है ये। तो उसमें ये है कि ये जो कूलिस ट्यूब है, इसका फंक्शनिंग कैसे होती है देखें, इसमें ये करते हैं कि यहाँ पर एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट मेटालिक होता है, उससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, उसे क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, फिलामेंट को यहाँ गर्म करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकलने लगते, थर्मियोनिक इमिशन बोलेंगे इसे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन था ना, इसे थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं। तो थर्मल तरीके से एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट किया गया। अब हुआ क्या कि यहाँ पे देखें कैथोड और एनोड यहाँ भी बनाया गया, ये एनोड है और ये कैथोड है, ये देखें यहाँ पे इसके क्रॉस ये हाई वोल्टेज लगाया गया। हाई वोल्टेज कैसे पता चल रहा है, देखें लगातार ये सोर्सेज लगे हुए हैं बहुत सारे, तो इसीलिए हाई वोल्टेज कहला रहा है। तो हाई वोल्टेज लगाना भी है क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो क्या होता है कि यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और एनोड की तरफ भागते हैं बहुत तेजी से, हाई वोल्टेज है तो बहुत हाई स्पीड होगी। और यहाँ जो सामने जो एनोड है, यहाँ पर टारगेट लिखा हुआ है ना, ये टारगेट कुछ और नहीं है, वही एलिमेंट्स हैं जो अभी इंट्रोड्यूस किया था, है ना, तो वो एलिमेंट्स को यहाँ पर लगा दिया गया। ठीक, तो उन एलिमेंट्स को यहाँ पर लगाएंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए उनका, है ना, हाई एटॉमिक वेट होना चाहिए, तो उनको लगे जैसे टंगस्टन है यहाँ लगा दिया, तो उससे जब ये टकराएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। और एक्सरे के लिए यहाँ पे एक विंडो लगी रहती है, ये भी वैक्यूम ट्यूब होता है, इवैक्यूएटेड होता है, इसमें भी कोई हिंड्रेंस ना हो जिससे कोई मालिक्यूल्स एक्स्ट्रा ना आ जाए गैस हो इसके, तो बंद होता है ये पूरा, यहाँ से एक विंडो बनाते हैं और वहाँ पर माइका लगा देते हैं। तो माइका ये होता है ना कि माइका के थ्रू जब ये एक्सरे बाहर निकलेगा तो माइका जो है एक्सरे को एब्जॉर्ब नहीं करता है बहुत, तो उसमें नुकसान नहीं होता, हमें एक्सरे चाहिए ना, तो एक्सरे जो है पूरी पूरी निकल जाए लगभग 100%, तो माइका उसे रोकता नहीं है, तो उसके थ्रू निकल जाती है एक्सरे, इसे यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, होता क्या है आगे का, यहाँ पर स्थिति यह है कि जब यहाँ पर टारगेट से टकराते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो ये बहुत तेज़ गर्म होने लगता है, तो मेल्ट ना हो जाए, हालांकि कोशिश करेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, लेकिन एक इंतजाम और करते हैं इसके कूलिंग का। तो यहाँ पे एक पैसेज यहाँ देखें आप दिया हुआ है, इसमें वाटर को यहाँ सर्कुलेट कराते हैं एज अ कूलेंट, तो वाटर यहाँ सर्कुलेट होता रहता है तो कूल करता रहता है इसे, देखें वाटर टू कूल डाउन, ठीक है, तो इसे जो है कूल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे ही इंतजाम है। ठीक, तो बहुत सिंपल सा डिवाइस है, इसके जरिए एक्सरे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बातें वही इंट्रोड्यूस की गई हैं या लिखी गई हैं, डिस्कस कर दिया हमने। ठीक है, ठीक,
अब एक्सरे जो प्रोड्यूस हुई उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखें कितने रेयर की एक्सरेज होती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें वही बात आ रही है कि टारगेट से जब हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं तो क्या होता है, तो दे लूज देयर काइनेटिक एनर्जी टू मेक सेवरल कोलिजन्स विद द एटम्स इन द टारगेट। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं वहां पे तो एंटर कर जाते हैं, वो टारगेट में एंट्री हो जाती है उनकी, बहुत हाई स्पीड पे है ना, तो उसमें जब एंटर कर जाते हैं तो अंदर मॉलिक्यूल से वो टकराने लगते हैं। तो मॉलिक्यूल से टकराने से क्या होता है कि उनकी स्पीड घटती है, तो जो एनर्जी जो पहले थी हाई थी अब कम हो गई, तो गई कहाँ, तो एनर्जी जो है वही एनर्जी रेडिएशंस में बदल जाती है, तो रेडिएट होने लगती है, तो वही एक्सरे बन जाता है। तो ये कारण है, ठीक है। तो एट ईच कोलिजन वन ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ एक्सरे में गेट फॉर्म्ड। तो कोलिजन के साथ जो एक्सरे बन सकता है उसमें कोई एक एक्सरे बनता है, जैसे मान ले किसी कोलिजन पे, तो उसमें दो प्रकार के एक्सरे की बात आ रही है, उसमें एक कंटिन्यूअस एक्सरे है और दूसरा है करेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक। तो ये दो प्रकार के रेडिएशंस होने लगते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है जरा देखें, पहले हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे का। थोड़ा सा ऐसे ही बता दें हम आपको कि कंटिन्यूअस और करेक्टरिस्टिक से क्या मतलब है कि समझने में आसानी होगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, इनका जब स्पेक्ट्रम देखा जाता है, इन दोनों का जब स्पेक्ट्रम हम देखेंगे तो स्पेक्ट्रम में ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है इसका। कंटिन्यूअस का मतलब है कि इसमें हर प्रकार की एनर्जी संभव है, और जो करेक्टरिस्टिक होता है उसमें कंटिन्यूअस नहीं, उसमें जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, डिस्क्रीट मिलेगा, अलग अलग बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि इसमें विशेष प्रकार की एनर्जी एक्सिस करती होगी, है ना, जैसे क्वांटाइज्ड एनर्जी हो, है ना, क्वांटाइज्ड एनर्जी, और इसमें कंटिन्यूअस है, ये फर्क है। लेकिन ऐसा क्यों है देखते हैं। कंटिन्यूअस एक्सरे में क्या होता है कि एज एन इलेक्ट्रॉन पासेस क्लोज टू द पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ द टारगेट, द इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ एज शोन इन फिगर। एक फिगर आएगी यहां पे अभी, देखें ये, तो इसमें इसके थ्रू पास होता है, दिस रिजल्ट्स इन डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ऐसे है कि ये एटम है और इसके थ्रू जब इलेक्ट्रॉन पास हुआ है ना, तो आप देखो यहाँ पे ये डेविएट होगा, न्यूक्लियस इसे डेविएट करा देगा, है ना, पॉजिटिव है तो डेविएट तो कराएगा इसे, तो मान लें इसे डेविएट करवा रहा है इधर, तो अभी जब ये दूर जाने लगेगा तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, तो स्पीड इसकी घटने लगेगी, आगे बढ़ेगा ना, स्पीड घटेगी, तो हर कोलिजन के साथ या हर एंट्री के साथ इसकी स्पीड घटने लगती है। तो स्पीड जब घटी तो जो एनर्जी थी है ना डिफरेंस, वो एक्सरे के फॉर्म में रेडिएट होने लगा। तो इसमें होता क्या है कि अब चूंकि ये रिटार्डेशन से हो रहा है तो इसमें हर प्रकार की एनर्जी संभव होती है। अब किसी का कम रिटार्डेशन हुआ, किसी का ज्यादा हो गया, किसी भी वैल्यू का रिटार्डेशन हो सकता है, किसी वैल्यू का डिफरेंस आ सकता है। तो किसी वैल्यू का डिफरेंस का मतलब है कि किसी वैल्यू की एनर्जी मिल सकती है। तो हर वैल्यू जब एनर्जी का मिलेगा तो उसमें जो स्पेक्ट्रम आएगा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसीलिए इसे कंटिन्यूअस एक्सरे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और है कि इसमें जो एक्सरे होगा, ये जो निकल रहा होगा, तो इसकी एनर्जी भी तो लेनी है हम लोगों को कि एनर्जी को फाइंड कैसे करें। तो एनर्जी जो होगी वो बेसिकली जो वोल्टेज हम दे रहे हैं वहां पे, कौन सा वोल्टेज, जो बाहर कूलिंग ट्यूब में लगाया था, उसी से तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। और जब रिटार्डेशन हुआ तो एनर्जी कम होगी, तो वो जो डिफरेंस है वही तो फोटॉन्स में कन्वर्ट होगा। तो अगर मान लें जैसे हम ये कहें कि सबसे हाई एनर्जी का एक्सरे, कंटिन्यूअस एक्सरे कौन सा हो सकता है, कब मिल सकता है, तो उसमें तब हो सकता है कि जैसे मान लें हमने वोल्टेज तो फिक्स कर दी, मान लें 10,000 वोल्ट लगा दिया, कुछ भी लगा दें ऐसे, बहुत हाई वोल्टेज है ऐसे, अब हाई एनर्जी है वो आ रही है। ये मैक्सिमम एनर्जी का एक्सरे तभी, फोटॉन्स तभी मिल सकते हैं हमें जब पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कन्वर्ट हो जाए किसमें, एक्सरे में। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, रुक जाए। अगर इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाए तो उससे जो एक्सरे मिलता है वो मैक्सिमम एनर्जी का होगा, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो वेवलेंथ मिनिमम, तो वो मिनिमम वेवलेंथ निकाली जाती है यहाँ पे, कि उसी से पता चलता है कि रेंज क्या होगी एक्सरे की। तो सबसे हाई एनर्जी वाला एक्सरे निकाल लें, उसके बाद तो बाकी एनर्जी तो उससे कम होगी ना, तो वहीं पे ये डिसाइड हो जाता है कि ये उसकी लिमिट है। तो कैसे निकालते हैं देखेंगे आप, देखें मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, देखें। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन लूजेस होल ऑफ इट्स एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी लूज कर दिया इसने इन अ सिंगल कोलिजन, एक ही कोलिजन में सारी एनर्जी अगर निकल गई इसकी, तो विद द एटम
एंड एक्सरे एक्सरे फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी इज इमिटेड। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे फाइंड करेंगे, वो जो एनर्जी थी E इंटू वी, कैसे लिखा? ये V कौन सा है? वही पोटेंशियल जो दिया गया था बाहर, वो पोटेंशियल से ही एनर्जी मिली इसे, और वही एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को, और उसी से एक्सरे बना है बाद में चल के। तो पूरी की पूरी एनर्जी किस में खत्म, कन्वर्ट हो गई फोटॉन्स में। तो इससे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ मिनिमम, अगर वेवलेंथ की बात करें यहाँ से, तो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं म्यू का, अरे न्यू का, ये न्यू मैक्सिमम का, तो न्यू का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो सी अपॉन लैम्डा, तो सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ई वी अपॉन एच, या फिर लैम्डा मिनिमम इज एच सी अपॉन ई वी, यहीं से आया। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है ना। एच सी वैल्यू आपको बता दी गई है पहले ही, है ना, वो आप याद कर लीजिएगा, उसी से आ गई, रखेंगे यहाँ पे। तो नैनोमीटर में भी, एंगस्ट्रॉम यूनिट में भी बताया गया था वैल्यू, तो ये रख के आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वैल्यू रख दिया गया, एच इंटू सी वैल्यू अगर 1, 2, 4, 2, 0 रखेंगे तो एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो इसमें सीधे वो वोल्टेज रखा, वो जो वोल्टेज था जो बाहर लगाया था उसका आप सीधे पुट करो, तो मैक्सिमम एनर्जी वाली या मिनिमम वेवलेंथ वाली एक्सरे के विषय में जानकारी मिल जाएगी। और इसी वेवलेंथ को बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। कट ऑफ क्यों बोला गया? कट ऑफ इसलिए क्योंकि इसके बाद हमें इससे कम वेवलेंथ नहीं मिलेगी, इसके बाद खत्म हो गया, इससे कम वेवलेंथ का नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा एनर्जी का नहीं मिलेगा एक्सरे गिवन वोल्टेज पे। जी मेन का इस साल का क्वेश्चन था ये, एन इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्सेलेटेड बाई अ पोटेंशियल डिफरेंस वी टू हिट अ मेटालिक टारगेट टू प्रोड्यूस एक्सरे, ठीक है, वी पोटेंशियल दिया हुआ है, इससे एक्सरे बनाया गया, इट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस एज वेल एज करेक्टरिस्टिक एक्सरेस, ओके, इफ लैम्डा मिनिमम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इन द स्पेक्ट्रम, द वेरिएशन ऑफ लॉग लैम्डा मिनिमम विद लॉग वी इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड इन। इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने एक रिलेशन देखा है लैम्डा मिनिमम और वी में, उसी पे केस है, लेकिन ये लॉग फंक्शन उसका, और कह रहे हैं कि ग्राफ ग्राफ है ना, तो ग्राफ बताना है, तो आप देखो वाई एक्सिस पे चल रहा है लॉग लैम्डा और एक्स पे चल रहा है लॉग वी, तो हमें बेसिकली ग्राफ यहाँ पे पहचानना होगा। पहले ग्राफ तो निकाले कैसे होगा, तो पहले तो एक्सप्रेशन बनाए, तो जो जो फंक्शन आ रहा था उसका लॉग ले लें, लॉग लेने के बाद जो फंक्शन बनेगा उसे प्लॉट करें, तो हमें पता चलेगा कौन सा ग्राफ आएगा। तो ये ऐसे अप्रोच होगा, आसान है, इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। देखें ये जो एक्सप्रेशन है, इससे आप ऐसे सेपरेट करो इसे, तो देखो ये एस सी अपॉन ई हो गया इंटू वन अपॉन ई, असल में इसमें इसमें ग्राफ आना है लॉग फंक्शन में, तो ये दोनों तरफ लॉग लेते हैं। देखें तो ये लॉग लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू लॉग एस सी अपॉन ई, और ये वन अपॉन वी है ना, तो माइनस लॉग वी हो जाएगा, लॉग ले लिया इसमें, और अब देखो ग्राफ अपने आप पता चलेगा आपको। तो इसको रीअरेंज कर लिया, ये लॉग वी माइनस इस तरफ कर लिया, और ये लॉग एस सी अपॉन ई है। ध्यान दें इसमें ये वाई एक्सिस पे और ये एक्स पे, स्लोप निगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, निगेटिव स्लोप और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ग्राफ कैसा होगा ये देखो, स्लोप निगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, सेलेक्ट कर ले ऐसा। कॉन्टिन्यूस एक्सरे था, उस पर एक ग्राफ देखे, जरूरी ग्राफ, इंटेंसिटी वेवलेंथ ग्राफ, द कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स ओवर गिवन रेंज, सारे वेवलेंथ इसमें इसके स्पेक्ट्रम में क्यों दिखते हैं, हर प्रकार की एनर्जी दिखेगी तो हर प्रकार का वेवलेंथ देगा, तभी तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा। दिस वेवलेंथ आर ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज, कैसे देखें, ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें इधर एक्सरे की इंटेंसिटी चल रही है और इधर जो है वेवलेंथ चल रहा है, ठीक, और इसमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, जैसे 3 ग्राफ दिए हुए हैं अलग अलग पोटेंशियल पे हैं। तो इस ग्राफ को समझने के लिए पहले तो आप ये देखो कि पोटेंशियल का क्या इफेक्ट है। पोटेंशियल, ये बाहर वाला पोटेंशियल, जैसे से आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो उससे जो फोटॉन्स क्रिएट होंगे वो भी तो बढ़ेंगे, तो देखें इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो इंटेंसिटी यहाँ पे आप देखो
पोटेंशियल बढ़ाने से कैसे बढ़ रही है, ग्राफ ऊपर उठता जा रहा है। एक चीज तो ये देखें, तो एक तो ये वर्टिकल पे देखें ग्राफ क्यों पोटेंशियल के साथ बढ़ रहा है। दूसरी बात कि ये देखें यहां पे इस तरफ अगर आप लेके चलोगे तो इसमें कंटिन्यूअस ग्राफ है। कंटिन्यूअस ग्राफ का मतलब कि जो स्पेक्ट्रम देखा जाता है, कोई एक उठा लें जैसे 30 किलो वोल्ट पे उठा लें, इसी को आप देखें सिर्फ फिलहाल, तो आप देखोगे कि यहां पे कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि हर वैल्यू का लैम्डा मिल रहा है, यहां कोई ब्रेक तो है नहीं इसमें। तो कंटिन्यूअस का मतलब है कि हर वैल्यू का लैम्डा मिलने का मतलब है कि हर वैल्यू का फोटोन यहां पे अवेलेबल है, यहां से शुरू होगा। लेकिन ये जो वैल्यू होगी ये मैक्सिमम एनर्जी वाली होगी फोटोन की, क्योंकि लैम्डा मिनिमम है, इसके बाद नहीं मिलेगा, इधर इधर चलेंगे, लेकिन इधर जो है कंटिन्यूअस मिलता जा रहा है, तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, दूसरी बात ये देखें कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये ग्राफ कुछ वैसा ही है जैसे हम लोगों ने रेडिएशन में नहीं देखा था स्पेक्ट्रम, तो उसमें यह था कि इंटेंसिटी जो है पूरे स्पेक्ट्रम को आप देख रहे हो तो बीच में कहीं इंटेंसिटी बढ़ी हुई दिख रही है, तो उसी तरह का ग्राफ है ये। कुछ एक्सरे में भी ये होता है कि अगर मान लें किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे एक स्पेक्ट्रम आपने देखा तो उसमें कोई वेवलेंथ बीच वाली हाई इंटेंसिटी की होगी, और हाई इंटेंसिटी की जो वेवलेंथ होगी उसके करस्पॉन्डिंग आप देख रहे हैं, ये दिखाया गया जैसे आई मैक्सिमम देख रहे हैं, तो यहां से अगर आप देखो तो ये वाली जो वेवलेंथ होगी ये लैम्डा नॉट, इसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। अब बात ये आती है कि जैसे एक आप केस उठाओगे तो इसमें दो तरीके के वेवलेंथ डिफाइंड होंगे, एक लैम्डा नॉट और एक लैम्डा मिनिमम। दोनों में फर्क क्या है, लैम्डा मिनिमम लैम्डा नॉट में फर्क क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखें लैम्डा मिनिमम जो है वो संबंधित है किससे, वो संबंधित है फोटोन की एनर्जी से। लैम्डा मिनिमम ये बताया जा रहा है कि इसके बाद इससे ज्यादा एनर्जी पॉसिबल नहीं है, एनर्जी उधर बढ़ेगी ना, पॉसिबल नहीं, तो फोटॉन जो क्रिएट हो रहे होंगे जैसे इस वोल्टेज से बात हो रही है, तो यहां पे ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ वेवलेंथ है, इसके बाद ये नहीं प्रोड्यूस होगा, तो ये फोटॉन की एनर्जी से संबंधित बात है ये वेवलेंथ, और ये किससे संबंधित है, ये फोटॉन्स की काउंटिंग से संबंधित है। क्यों, क्योंकि इसका संबंध मैक्सिमम इंटेंसिटी से है, तो इसका मतलब हो गया कि ये लैम्डा नॉट के करस्पॉन्डिंग जो फोटॉन्स मिल रहे होंगे उसकी काउंटिंग सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद इधर कम होगा, इधर काउंटिंग कम हो जाएगी। तो लैम्डा नॉट का क्या मतलब है, लैम्डा नॉट जो वेवलेंथ है वो उस इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग है जो मैक्सिमम है, तो काउंटिंग्स पे बेस्ड है कि फोटॉन्स जो है सबसे ज्यादा इस वैल्यू के फोटॉन्स, इस लैम्डा नॉट वैल्यू के फोटॉन्स सबसे ज्यादा होंगे, और ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है कि इसके बाद कट ऑफ हो गया, इसके बाद एनर्जी इससे ज्यादा नहीं मिलने वाली, ये सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटॉन यहां पे है और सबसे ज्यादा काउंटिंग वाले फोटॉन्स वो यहां पे। एक का संबंध एनर्जी से है और एक का संबंध काउंटिंग से, ये फर्क समझिएगा आप। द वेवलेंथ लैम्डा नॉट एट विच द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन द एक्सलेटिंग वोल्टेज, समझ रहे ना, लैम्डा नॉट एक्सलेटिंग वोल्टेज बींग शॉर्टर फॉर हायर वोल्टेज एंड वैसे वर्सा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ये बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, अलग अलग वोल्टेज पे क्या इफेक्ट होगा, वोल्टेज का क्या इफेक्ट होता है, सब इंडिविजुअली जो है प्रैक्टिकली आप जान चुके हो यहाँ पे, है ना, तो ऐसे दिमाग में रखिएगा क्या बात है लिखी हुई। कंटिन्यूअस एक्सरे की तो बात हो गई, अब करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। देखें, फ्यू ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैविंग हाई वेलोसिटी पेनिट्रेट द सरफेस एटम्स ऑफ द टारगेट मटेरियल एंड नॉक आउट द टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इवन फ्रॉम द इनर मोस्ट शेल्स ऑफ द एटम। इसमें ही कहा गया है कि जो टारगेट लगा था उसके सरफेस पे जो कुछ एटम मौजूद थे, तो सरफेस पे जो एटम मौजूद होंगे वो तो तुरंत प्रोजेक्ट हो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन से, भाई इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट कर गया तब तो धीमा पड़ गया, तो अंदर वाले एटम से जब टकराएगा तो कुछ और बात होगी, लेकिन फेस पे जो एटम है उनसे डायरेक्ट टकराए इलेक्ट्रॉन तो उसमें तो बहुत एनर्जी है ना उस समय, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, वो पेनिट्रेट कर जाते हैं किसमें, एटम के अंदर,
मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करना अलग बात है, एटम के अंदर पेनिट्रेट करना अलग बात होगी। एटम के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और पेनिट्रेट करके जो लोअर मोस्ट ऑर्बिट है के शेल पहला, उसमें से किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। नॉकआउट कर देना का मतलब निकाल देना, आयनाइज कर देना एक तरह से कहा जाए तो क्या होगा कि वो जब वहां पेनिट्रेट करके उस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वहां वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें वैकेंसी क्रिएट हो गई, और आप जानते हो वो एनर्जी जो है वो ऑर्बिट जो है सबसे कम एनर्जी वाला है, लोएस्ट, तो टेंडेंसी क्या होगी बाकी इलेक्ट्रॉन्स के तुरंत उसको फिल करना। तो इमीडिएट क्या होगा कि ऊपर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स तुरंत आना शुरू कर देंगे उस के शेल के ऑर्बिट में, के शेल में आना शुरू कर देंगे उसमें जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, और ऊपर से अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि चूंकि यहां पे ये ज्यादा एटॉमिक नंबर का है ना टारगेट, तो उसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन्स इस के सेल में आने लगते हैं तो बहुत एनर्जी रिलीज करते हैं वो। तो जब एनर्जी वो रिलीज करना शुरू करते हैं तो वही एक्सरे में बदल जाता है, और उस एक्सरे को करेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलते हैं। देखिए फर्क है ना दोनों में, पहला वाला केस क्या था कंटिन्यूअस वाला, उसमें ये केस नहीं था कि वो ऑर्बिट में चले जाते हैं, वो न्यूक्लियस के जरिए टकराया, न्यूक्लियस के जरिए रिटार्डेशन हुआ होगा, रिटार्डेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का उससे कोई लेना देना है किसी इलेक्ट्रॉन को जाके वो नॉक कर दे निकाल दे, आयनाइज करने का मतलब नहीं है, वहां तो टकरा के अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं, तो उससे एक्सरे क्रिएट हो रहा है, उसको कंटिन्यूअस था, लेकिन इसमें केस बदल गया, इसमें वो टकरा है तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया ऑर्बिट से, और उस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को फिल करने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो गए। उनके आने से जो एक्सरे प्रोड्यूस होगी वो करेक्टरिस्टिक एक्सरे होती है। और क्यों करेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं उसे, करेक्टरिस्टिक का मतलब है कि पहचान होगी वो उस एटम की, उस टारगेट की पहचान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी कौन से प्रोड्यूस होंगे, अब तो क्वांटाइज्ड एनर्जी होगी ना, क्योंकि ऑर्बिट टू ऑर्बिट ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन वाली जो एनर्जी होगी वो तो क्वांटाइज्ड होगी और उससे पहचान हो जाएगी। वो तो सबके लिए हर एटम के लिए अलग अलग होता है, तो उससे पहचान भी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि एक्सरे के जरिए, करेक्टरिस्टिक एक्सरे के जरिए टारगेट को पहचान सकते हैं। अभी आप पढ़ोगे आगे चल के कि जैसे पीरियोडिक टेबल जब बन रही थी तो उसमें एलिमेंट्स का पता लगाना, उसमें एक्सरे का बहुत बड़ा महत्व है। एक्सरे के जरिए नए नए एलिमेंट्स का पता लगा के उनके एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, कि कैसे पता है कोई नया नया एलिमेंट आया तो उसका एटॉमिक नंबर कैसे निकाल लें, तो इसके जरिए, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक एक्सरे उस टारगेट पे अगर एक्सरे को गिराएंगे और विशेष प्रकार की एक्सरे बनेगी तो उससे पहचान हो जाएगी उस एटम की, ठीक, इसीलिए इसे करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। वही बात है यहां पे, देखें कैसे होता है। जैसे वही फिगर दिखाई जा रही है यहां पे कि ये सेल्स हैं, तो इसमें क्या हुआ है कि देखें जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे उससे मान ले जैसे यहां पे ये वैकेंसी क्रिएट होगी इनर मोस्ट सेल में, जैसे के सेल में, तो अब ये ऊपर के सेल से इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो गए देखें, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिट करेंगे ऐसे तो ये देखें ये एक्सरे बनेगा। तो डिफरेंट टाइप की एक्सरेज बनती हैं, उसका अब नाम की बात आती है कि वो कौन कौन सी एक्सरेज बन रही हैं, उनको हम कैसे पहचाने, नेम कैसे दें उसे, तो वो जरा जानना बहुत जरूरी है। वो देखें क्या है, देखें इसमें ये दिखाया गया है ट्रांजिशन के हिसाब से एक्सरे का नाम देना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये लोअर मोस्ट ऑर्बिट है के सेल, ठीक, और ये देखो ऊपर से ट्रांजिशन हो रहा है, तो जितने ट्रांजिशन के सेल में हुए उससे जो एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं उसे के सीरीज की एक्सरे बोलते हैं, सबका नेम के होता है। अब जो ट्रांजिशन इससे ऊपर वाले ऑर्बिट में हुआ एल सीरीज में, एल में, तो ये जो है वो ट्रांजिशन एल सीरीज का हो गया, तो इससे जो एक्सरे बनेगी वो एल नेम से होगी, और ऐसी एम शेल में अगर जाएगा तो एम सीरीज, सिंपल सी बात होगी। अब इसमें आप ये बताओ कि कौन सी सीरीज जो है सबसे ज्यादा एनर्जी रखेगी, के सबसे ज्यादा, एक तो लोअर मोस्ट ऑर्बिट है तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें होती है। अगर अभी ग्राफ दिखाएंगे हम, जो ग्राफ अभी देखा था इंटेंसिटी और लैम्डा वाला, उसमें सिर्फ कंटिन्यूअस एक्सरे दिखाया गया था, अभी मैं इसको भी दिखाऊंगा, तो उसमें आप क्या सोच रहे हो बताओ, ये के को देख रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी रख रहा है, तो किस तरफ होगा वो ग्राफ में, वो उस तरफ शिफ्ट हो रहा होगा या इस तरफ, मतलब आपके ये लेफ्ट साइड में राइट साइड में, हाँ इधर ना, क्योंकि लैम्डा जो है इधर कम होता जा रहा है तो एनर्जी मिलेगी ना ज्यादा, तो उधर मिलेंगे ये, तो ये वाली सीरीज उस तरफ मिलेगी और ये जो सीरीज होगी वो इधर ऐसे मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी देखें हर सीरीज में अलग अलग जो ट्रांजिशन हो रहे हैं या जो मेंबर्स हैं
उनके भी नाम है। अब देखें इस सीरीज जैसे के सीरीज है उसमें ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड मेंबर है। तो फर्स्ट मेंबर को अल्फा नाम दिया गया है, सेकंड को बीटा, थर्ड को गामा, ऐसे ठीक है। तो ये जो नेम दिया गया है इसको भी ध्यान देना। अब अल्फा बीटा गामा में आपस में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? गामा की, सबसे ज्यादा डिफरेंस। तो वही है कि अल्फा बीटा गामा है, गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, अल्फा की सबसे कम होगी। एक तो ग्रुप में कंपेयर करना और दूसरा ग्रुप में इंडिविजुअल जो मेंबर्स हैं उनको कंपेयर करना, दोनों का अगर ग्राफ के साथ देखेंगे। ये अभी दिखाते हैं, देखें ये देखें ग्राफ। इसमें ये कंटिन्यूअस एक्सरे है, ये दिखाया जा रहा है, और ये जो दिखाया जा रहा है यहां पे करेक्टरिस्टिक एक्सरे है। तो आप देखो इसमें के वाला और एल सीरीज को देखें, कंपेयर करें तो के उधर है शिफ्टेड, लैम्डा मिनिमम की तरफ है ना, लैम्डा कम होने की तरफ, क्योंकि एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, और ये इधर शिफ्टेड है। और आपस में आप देखें, आपस में आप देखेंगे तो अल्फा और बीटा में बीटा उधर है, गामा और उधर होगा अगर बनेगा तो, है ना, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, अल्फा की सबसे कम आपस में। एक चीज और आप देख रहे होगे यहां पे कि इसमें जो कम एनर्जी वाला करेक्टरिस्टिक एक्सरे है, एक तो करेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है अलग अलग इंडिविजुअल दिखेगा, कंटिन्यूअस नहीं दिखेगा, ये इंडिविजुअल इनके बीच में नहीं दिखेगा क्योंकि वो ट्रांजिशन ही नहीं होता होगा, हर तरीका ट्रांजिशन तो है नहीं, जो ट्रांजिशन है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी दिख रही है, तो ब्रेक होकर दिख रहा है, यह करेक्टरिस्टिक है। और आप ये भी ध्यान दें कि इसमें एक ग्राफ में एक खास बात और दिख रही होगी आपको, इंटेंसिटी वाइज देखें अगर वर्टिकल तो इंटेंसिटी उस एक्सरे का ज्यादा है जिसकी एनर्जी कम है। अब देखो ये एनर्जी से इंटेंसिटी को थोड़ी कंपेयर करते हैं, एनर्जी कम है इसकी फोटोन की लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा है, क्यों? प्रोबेबिलिटी जो है ज्यादा फोटोन मिलने की वहां होती है जहां पे एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, पूरी नहीं, हर केस में नहीं कहेंगे। तो आप देखें बीटा के कंपैरिजन में इसकी इंटेंसिटी कम वाली अल्फा की ज्यादा, ऐसे यहां देखें, देखिए अल्फा सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, ये ध्यान दीजिएगा। तो वही दोनों अगर आप देखें इससे ऐसे कंपेयर करके आप याद कर लीजिएगा इसे पढ़ के। तो आप देखो ये वाला ग्रुप जो है ना ये सबसे ज्यादा एनर्जी रखने वाला है इसीलिए ये इस तरफ दिख रहा है, और ये ग्रुप उधर ये कम एनर्जी वाला है ट्रांजिशन देखें तो इस तरफ गया। उसमें आप देखो ये बीटा की एनर्जी अल्फा से ज्यादा है, तो ये बीटा इस तरफ अल्फा उस तरफ। मूजलेज लॉ एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है जिसकी उपयोगिता अभी हमने बताया था कि करेक्टरिस्टिक ये जो एक्सरे जो बनाया गया इसमें ये वाली जो एक्सरे थी करेक्टरिस्टिक एक्सरे तो इससे जो है एटम को पहचाना जाता है, तो मूजले लॉ जो है उसी पे बेस्ड है। इस लॉ के हेल्प से पीरियोडिक टेबल बनाने में बड़ी आसानी हुई, वो कैसे है देखें। मूजले स्टडीड द करेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ अ नंबर ऑफ अ हैवी एलिमेंट्स and concluded that the spectra of different elements are very similar and with increasing atomic number the spectral lines merely shift towards higher frequencies। simple सी बात है, वो ऐसे कहा जा रहा है, ये ग्राफ में आपको समझ में आएगी बात जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुई है। इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट एलिमेंट्स को लिया है ना, अलग अलग एटॉमिक नंबर के, और उस पर जो है वो इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करके एक्सरे प्रोड्यूस की गई करेक्टरिस्टिक का, उसका रिकॉर्ड किया, उसकी फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड किया, और फ्रीक्वेंसी और जो मटेरियल का एटॉमिक नंबर है उसमें ग्राफ खींचा गया। फ्रीक्वेंसी का ही अंडरवुड है और इधर देखें एटॉमिक नंबर है, तो इधर जितने एलिमेंट थे उनका एटॉमिक नंबर ऐसे, और ये फ्रीक्वेंसी का अंडरवुड, और ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन कैसे आ रहा है डिफरेंट एक्सरे के केसेस में, ये के अल्फा के बीटा लाइन है, इसकी इक्वेशन ये होती है। फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक नंबर से ये संबंध है। अच्छा ये भी मैं बता दूं कि अभी ये अगर संबंध है, इन्होंने प्रूफ किया, ये आया कहाँ से, इसका लॉजिक क्या है वो भी बताते हैं, लेकिन फिलहाल मूजले ने ये इक्वेशन दी तो इसे जरा ध्यान से देखो। ये इक्वेशन जो है ये बता रही है कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे अंडरवुड न्यू है, और ये वाई एक्सिस पे हो गया, ये एक्स एक्सिस पे, ये एक्स पे हो गया, ये वाई पे। तो आप देखें वो स्ट्रेट लाइन आना, इसका स्लोप कैसा होगा, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप की ये लाइन से। अच्छा अब इसमें हुआ क्या है देखें कि जब ये लाइन ड्रॉ की गई है
तो ये जैसे टारगेट लिया गया, कई टारगेट लिया गया, तो पहले उन पे जितने अल्फा के अल्फा एक्सरेज जो थी उनको रिकॉर्ड किया गया, तो उनकी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड कर ली गई। अलग 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 टारगेट लेके उस पर जब इलेक्ट्रॉन्स को गिराया गया तो उसमें जो एक्सरेज बन रही थी उसमें सब पे पहले के अल्फा लाइन जिसकी थी उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली गई। तो फ्रीक्वेंसी निकाल के उसको प्लॉट किया गया तो ये वाली लाइन आ गई। फिर उसके बाद जो है उन्हीं टारगेट्स पे दूसरा जो एक्सरे था के बीटा, कई निकले होंगे ना उसमें, उसमें तो कई एक्सरे बन रहे होंगे, तो एक एक को उठाया गया तो के बीटा पे वो फ्रीक्वेंसी निकाली गई और उसको प्लॉट कर लिया गया। अच्छा, अब ये जब प्लॉट किया गया तो इसमें ये के बीटा लाइन के अल्फा से ऊपर क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, बीटा वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, इसलिए ये लाइन ऊपर शिफ्टेड है, इसमें लिखा हुआ है इसीलिए शिफ्टेड क्यों है, तो ये शिफ्टेड है यहाँ पे। ठीक, अच्छा, अब इसका फायदा क्या होगा, ध्यान दें, पीरियडिक टेबल जैसे मैंने बोला था क्यों इसका फायदा होगा, उसमें क्या होता है कि शुरू में जब पीरियडिक टेबल बन रही तो सारे एलिमेंट तो मालूम नहीं थे, तो उसमें जैसे मान ले दो या तीन एलिमेंट भी मालूम हो तो उनके जरिए लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन है ना, तो ड्रॉ हो जाएगा। जैसे मान ले एक एलिमेंट का यहाँ पे मिल गया कोऑर्डिनेट, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, इन सबको मिला के लाइन ड्रॉ कर देगी। हम कह रहे दो ही एलिमेंट मिल जाए तब भी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी ऐसे। अब एक लाइन अगर ये ड्रॉ हो गई तो मान ले अब आगे रिसर्च बढ़ा, कोई नया एलिमेंट मिला, अब नया एलिमेंट जब मिला तो उसका एटॉमिक नंबर निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे कि उस पर भी एक्सरे प्रोड्यूस करेंगे और के अल्फा लाइन उसकी मेजर कर लेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर कर लेंगे, है ना, और उस फ्रीक्वेंसी पे इसी लाइन पे जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके करिस्पॉन्डिंग यहां पे हमें उस नए एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? पहले दो तीन एलिमेंट के मालूम थे उसे ड्रॉ कर लिया गया लाइन, अब उसके बाद नया एलिमेंट जब भी आया तो उसका एटॉमिक नंबर तो जानना है ना, तभी तो पीरियडिक टेबल में रख पाओगे आप उसे, है ना, तो उस पर एक्सरे क्रिएट की गई, एक्सरे जो क्रिएट किया गया उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली गई और फ्रीक्वेंसी निकाल के उस फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया वैल्यू, तो यहाँ से उसकी जेड वैल्यू पता चल गई, तो इससे उसे कंप्लीट किया गया। अच्छा, अब ये वाला जो इक्वेशन ही आई कहां से, ये देखें, ये जानी पहचानी इक्वेशन देखें, ट्रांजिशन है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, तो एनर्जी जो ट्रांजिशन में एनर्जी जो इमिट होती है वही एक्सप्रेशन है डेल्टा ई, याद करें डेल्टा ई आर एस सी और जेड स्क्वायर पढ़ा था हम लोगों ने, और ये देखें वो ट्रांजिशन के लिए, तो वही इक्वेशन है, बस ध्यान दीजिए यहाँ एक फर्क आ रहा है, जेड माइनस बी स्क्वायर इसलिए है क्योंकि वहां जो हम लोगों ने पढ़ा था वो जो केस था वो बोहर एटॉमिक मॉडल पे था और उसमें एक इलेक्ट्रॉन का एटम था, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक, यहाँ तो बहुत हैवी मटेरियल है तो इसमें फर्क आएगा, तो ये जो फर्क है ये इसी कारण से है। अच्छा, अभी ये भी मैं बताता हूँ कि ये बी है क्या, बेसिकली ये क्यों ये फर्क आता है ये मैं अभी बताता हूँ इसमें, लेकिन फिलहाल इक्वेशन वही है और उसी में क्या किया है कि ये डेल्टा ई को एच न्यू में कन्वर्ट किया, और अब देखें अब यहाँ फ्रीक्वेंसी का संबंध इससे देखें, देखें ये फिक्स कर दें, ये कॉन्स्टेंट है एक गिवन ट्रांजिशन के लिए, ये फिक्स हो गया, जैसे मान लें के अल्फा लाइन पे काम हो रहा है तो ये तो फिक्स हो गया ना, किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जाना है तो ये पता चल गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स है, तो बचा गया यहाँ पे न्यू का संबंध, यहां से आप करोगे तो अंडरवुड कर दो, अंडरवुड करोगे तो जेड माइनस बी हो जाएगा और बाकी ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा और ये अंडरवुड न्यू हो जाएगा, तो यहीं से डेवलप्ड है इक्वेशन। इसमें न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड लाइन, जेड है एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट जिस टारगेट को यूज कर रहे हैं, दिस लॉ एस्टेब्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियडिक टेबल, जो अभी मैंने बता दिया बाय एटॉमिक नंबर एंड नॉट बाय एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर के जरिए यहाँ पे अरेंज किया गया, पीरियडिक टेबल को कंप्लीट किया गया। ठीक है, और ए है प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट यहाँ पे, और बी जरा ध्यान दीजिएगा, Z माइनस बी है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये क्या है अभी बताते हैं, और B होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट, इसके विषय में जानकारी हम आपको दे देते हैं, क्यों, क्योंकि B की वैल्यू बदलती है डिफरेंट केसेस में, कि K सीरीज का आपको देखें फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है किसी एक्सरे का तो अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो K सीरीज के लिए या L सीरीज के लिए जो B वैल्यू होती है वो बदलती रहती है, तो B वैल्यू होती क्या है, क्यों स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोले या शील्डिंग कांस्टेंट इसे, और वैल्यू क्या होती है देखें इसमें।
इसमें होता क्या, आप देखो जो ये थ्योरी लिख के आ रही है, मैं सीधे बताता हूँ आपको कि जैसे ट्रांजिशन की बात होती थी तो वन इलेक्ट्रॉन वाला केस याद करें, तो उसमें जब ट्रांजिशन होता तो एक न्यूक्लियस होता था, एक इलेक्ट्रॉन, और तो कोई उसमें मेंबर है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर से किसी शेल में आ रहा है तो उसको जो न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन मिल रहा है वो किस वैल्यू का, वो तो वही न्यूक्लियस का जो चार्ज है वही है जेड, तो जेड वैल्यू को वही जेड आता था एक्सप्रेशन में। लेकिन अब आप सोचो जरा सा कि वैकेंसी के सेल में क्रिएट हुई, ठीक, और अब इलेक्ट्रॉन एक तो है नहीं, अब तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, तो अगर मान ले जैसे ये वैकेंसी क्रिएट हो रही है और किसी आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहता है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो अब उसे इसको, जैसे मान ली इलेक्ट्रॉन आना चाहता है इधर, तो अब उसे इफेक्टिव जो एटॉमिक नंबर होगा वो जेड नहीं मिलेगा, जेड तब मिलता है जब ये इलेक्ट्रॉन ना होता। ये जेड क्यों आता है, जेड असल में जब याद करें जब हम लोग एक्सप्रेशन बना रहे थे सब, तो कूलम्स लॉ से शुरू हुआ था बात, वहीं से जेड आया था, तो जेड और जेड का एक्सप्रेशन क्यों आया था, क्योंकि हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे, तो क्यू वन क्यू टू होता है, Q1 Q2 आ रहा था ना उसमें, Q1 Q2 अपॉन R ऐसे, तो एक इसका चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन का आ गया। लेकिन अब ऐसा है ना कि अब अगर मान ले इस इलेक्ट्रॉन की बात ना करें, इसकी बात करें, तो इसको इफेक्टिव चार्ज ये नहीं मिल रहा होगा, बल्कि इसका भी तो मिल रहा होगा, इससे अगर अट्रैक्शन मिल रहा होगा तो इससे रिपल्सन, तो इसको घटाएंगे नहीं आप, अगर आप इसके लिए देखेंगे इफेक्टिव चार्ज यहाँ पे, तो इस जेड नहीं होगा बल्कि जेड माइनस वन होगा, एक कम करें, क्यों, एक जेड पॉजिटिव हो गया और वन निगेटिव हो गया, तो वो जो जेड माइनस भी आ रहा था ना इसी कारण से आ रहा था, इसी को शील्ड इफेक्ट बोलते हैं। उसमें क्या हुआ कि बेसिकली देखा जाए तो ये जो शील्ड है, इस शील्ड के बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा है ना, जैसे मान लीजिए के शेल है, तो के शेल के लिए शील्ड बन गया, इसके बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए एटॉमिक नंबर जो होगा इफेक्टिव, वो शील्ड के अंदर जितना चार्ज होगा वो होगा, इसलिए वहां पे जानते हैं। अब देखें इसके, मान ले एल सेल की बात करें, तो एल सेल के लिए शील्ड यहां बनेगी, अब कोई एल सेल में, मान ले एल सेल में कोई वैकेंसी क्रिएट हुई है ना, तो उधर से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके लिए शील्ड यहां मिलेगी, तो यहां मिलेगी, तो और भी तो इलेक्ट्रॉन अंदर हो गए, तो अब क्या होगा, अब जेड में से वन ही नहीं घटेगा और भी ज्यादा घटेगा, और वो डिपेंड करता है कि आगे के सेल में ऐसे थोड़ी बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसी हिसाब से जो बी वैल्यू है ना वो बढ़ती चली जाती है, जितना बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब जो जिस सेल में आ रहा है उससे मतलब है कि के सेल में आ रहा है या एल सेल में है या एम सेल में ट्रांजिशन हो रहा है, उसी हिसाब से वो शील्ड इफेक्ट बदलता चला जाता है, बढ़ता जाता है बल्कि हम कहेंगे, है ना, तो वो वैल्यू पहले से दी जाती है, उसको आप यूज करोगे। मैं दिखाता हूं कितनी वैल्यू होती है, बी वन है के सीरीज के लिए, और के सीरीज आप ले रहे हैं तो बी वन ले लीजिए, अगर आप एल सीरीज पे हम निकाल लें एक्सरे तो बी की वैल्यू 7.4 लेना है, और एम सीरीज पे बी की वैल्यू 19.2 होती है, कैलकुलेटेड है, आप रख लीजिएगा जब जरूरत पड़े तो, याद कर लीजिएगा इसे, और उसमें तो नाम दिया हुआ ना एग्जामिनर ने कि कौन सी सीरीज का बात करें, के अल्फा है के बीटा है या एल वैल्यू है, उसमें पता चल जाएगा आपको, ये याद कर लीजिएगा। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, इसी एक्सप्रेशन से, अब कोई दिक्कत थोड़ी है, ये वही जाना पहचाना एक्सप्रेशन है, बस कितना है जेड स्क्वायर के जेड माइनस बी कर दिया, बी वैल्यू रख दिया, जैसी रिक्वायरमेंट होगी के है या एल है या एम है उस हिसाब से बी वैल्यू रख दीजिएगा, और अल्फा बीटा गामा है वो यहां से डिसाइड होगा, अल्फा बीटा गामा यहां से डिसाइड होगा, और ये जो है के एल या एम कौन सी सीरीज है ये डिसाइड करेगा बी। एनर्जी निकालना है तो एनर्जी की इक्वेशन ऐसी ले लीजिएगा, जानी पहचानी इक्वेशन है यूज करिएगा। कुछ और वो पहचान एक्सरे की, जैसे हम लोगों ने तो दो बेसिक चीजें देखी कि एक कंटिन्यूअस एक्सरे होता है और एक करेक्टरिस्टिक। अच्छा, ये तो उस बेसिस पे था कि कैसी एनर्जी वहां क्रिएट होती है, वो क्वांटाइज्ड है या कंटिन्यूअस है, उस पे बात थी, ये अलग बात है। ये सॉफ्ट और हार्ड एक्सरे जो होती है ये पावर होती है, पेनिट्रेशन पावर,
जो सॉफ्ट एक्सरे होती हैं वो जरा हल्की होती हैं, हल्की का मतलब है कि वो उतना ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर नहीं होगी जितना ज्यादा हार्ड रेस की होती हैं। और ये कैसे होगा, ये डिसाइड हो जाएगा बाहर जो पोटेंशियल लगाते हैं उससे। अगर हम बाहर पोटेंशियल बहुत ज्यादा लगाएंगे तो उससे एक्सरेज जो बनेंगी वो बहुत ज्यादा एनर्जी की होंगी, है ना, और उनकी पेनिट्रेशन पावर भी बहुत ज्यादा होगी। और अगर हम वहां पे पोटेंशियल कम कर देंगे तो वो जो एक्सरेज होंगी वो हल्की एक्सरेज होंगी, उनको सॉफ्ट बोलते हैं, और जो बहुत ज्यादा एनर्जी की होती है वो हार्ड एक्सरेज कहलाती हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा हुआ है हाई पोटेंशियल पे और लो पोटेंशियल पे जो क्रिएट हो रही है। लो वाली एक्सरेज जो है वो सॉफ्ट हो गई और हाई पोटेंशियल वाली वो हार्ड एक्सरे हो गई। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी जो होती है जनरली अगर आप इंटेंसिटी पे इफेक्ट डालना चाहते हो तो वही वाली बात होगी कि इंटेंसिटी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंडेंट है, और नंबर ऑफ फोटॉन किस पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो अगर आप वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन बढ़ाओगे, है ना, कैसे वो जो फिलामेंट था वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन बढ़ाओगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो ज्यादा फोटॉन्स भी क्रिएट होंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो ये भी ध्यान देना है इस बात पे भी। तो वही है कि वो अगर ज्यादा फिलामेंट से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे लिखा हुआ है तो उस केस में इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये पढ़िएगा यहाँ पे लिखा हुआ, ये बाई इंक्रीजिंग द हीट ऑफ फिलामेंट, टेम्परेचर बढ़ा दो फिलामेंट का, मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स, और इसके कारण हेंस इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इज इंक्रीज्ड। डिपेंडेंसी का भी पूछ लेते हैं तो आप ऐसे बताइएगा, ठीक है। एक लॉज एक्सपेरिमेंट है सिंपल सा, उसमें यह है कि ये चीज प्रूफ करना, लॉज ने ये चीज प्रूफ किया कि ये जो रेस थी एक्सरेस जो थी ये पार्टिकल्स नहीं थी बल्कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, मतलब वेव फॉर्म प्रूफ करना एक्सरेस का। तो एक्सरेस का वेव फॉर्म प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, देखें, उन्होंने एक क्रिस्टल लिया और क्रिस्टल के थ्रू एक्सरे की एक बीम को भेजा गया यहाँ पे, है ना, इसके थ्रू पास करवाया और सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, स्क्रीन लगा दी, तो उस पर यह हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स बने ऐसे, देखें। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो स्क्रीन कैप्चर कर रहा है यहाँ पे बीम को, तो अगर मान ले जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये स्कैटरिंग हो गई इसकी, या आप डिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो, तो डिफ्रैक्शन फिनोमिना स्कैटरिंग हुआ है, उससे ये हुआ है कि बिखर गई एक्सरे, एक्सरे बिखरने से बहुत सारे स्पॉट्स बन रहे हैं यहाँ, तो ये बहुत सारे स्पॉट्स बनने का मतलब है कि डिफ्रैक्शन हो गया इसका, स्कैटरिंग हो गया। आपने डिफ्रैक्शन पढ़ा था किस कारण से होता था, वही है कि जब वो एजेस मिलती थी ऐसी जिनका ऑर्डर जो है वेवलेंथ के ऑर्डर के होता था तो वो डेविएट हो जाती थी। तो ये सब फिनोमिना किस पे होगा, वेव पे ही तो होगा, तो इससे पता चल गया कि वेव है ये, डिफ्रैक्शन पैटर्न यह मिल रहा है ये बेसिकली स्कैटरिंग। और ध्यान देंगे कि इसमें जो स्पॉट्स बन रहा है इसमें ये जो बिगर स्पॉट है सेंटर पे, ये मेन बीम है जो सीधी निकल गई होगी, और जो स्कैटर्ड हुई है वो छोटे छोटे स्पॉट्स ऐसे बने हैं, इनको लेज स्पॉट्स बोलते हैं, नाम याद कर लीजिएगा, जो किनारे वाले हैं ना स्पॉट्स इनको लेज स्पॉट्स बोलते हैं। थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन है, जानकारी है, बस इतना काफी है इसमें। क्या है, इन अ सॉलिड क्रिस्टल एटम्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न्स सच एज अ सीरीज ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऑफ एटम्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। इफ एक्सरे बीम इज इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा सच दैट इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ट्वाइस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, वी गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन डिफ्रेक्टेड रेज। ब्रैक लॉ का जिक्र आ चुका है मैटर वेव में, याद करें तो वहां पे ये जिक्र आया था, वो मैटर वेव में ये चीज प्रूफ करना कि इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो वेव नेचर रखती है, है ना, तो वहां पे ब्रैक लॉ का जिक्र आया था, उसको यूज भी किया था। तो हमने बताया था आपसे कि यार ये ब्रैक लॉ जो है ये हम एक्सरे में आपको बताएंगे, वहीं से क्रिएटेड है। तो ध्यान दो कि ब्रैक लॉ के हेल्प से हम लोगों ने वहां पे एक डी वैल्यू ली थी, वो क्रिस्टल जो था, है ना, उसमें जो प्लेन थे क्रिस्टल के उनके बीच की डिस्टेंस, या आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस, उससे अरेंजमेंट पता चलता है सॉलिड का, कैसे अरेंजमेंट है उसका पता लगाना होता है ना, कि अंदर कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके लिए ये बहुत उपयोगी फिनोमिना है ब्रैक्स लॉ। तो वो कैसे पता लगाते हैं, देखें उसी का यहाँ जिक्र है कि जैसे मान लें कोई सॉलिड है उसमें ये अरेंजमेंट है,
है ना, ये प्लेन्स हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है एक्सरे के जरिए। तो उसमें क्या किया गया है कि जैसे एक्सरे बीम गिराई गई यहाँ, तो एक्सरे गिरा तो एक रे एक्सरे की देखिए यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, या डिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसे, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई। अच्छा, दूसरी बीम यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तो जब ये दोनों रिफ्लेक्टेड को यहाँ पे जब देखा गया, देखना क्या इसे मतलब, इसमें पैटर्न देखा गया, इसमें इंटरफेरेंस का फिनोमिना देखा गया, तो हुआ, तो इसमें जब ये दोनों सुपर इम्पोज होंगे तो इंटरफेरेंस का फिनोमिना होगा। तो वो फिनोमिना किस पे डिपेंड करता है, पार्ट डिफरेंस पे। तो पार्ट डिफरेंस कैसा था उस हिसाब से कहीं मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, कहीं कम इंटेंसिटी मिली, तो हो रहा है ना इंटरफेरेंस। तो इसमें इसके हेल्प से कैसे पता लगाया सकता है, देखें आसानी से, ये डिस्टेंस डी इन मॉलिक्यूल्स के बीच की, या जो ये प्लेन्स बने हुए हैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालना, वो देखें कैसे। ये देखें डी डिस्टेंस कैसे निकाला गया है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहली वाली रे जो जा रही है, ये थीटा एंगल पे गिर रही है ना, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा होगा ज्योमेट्रिकली। देखें ये पहली बीम है और ये दूसरी है, रे कह सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देखें पार्ट डिफरेंस आएगा, ये पार्ट डिफरेंस है। तो दो पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुए हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो टोटल पार्ट डिफरेंस तो इतना होगा ना ये। तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालते हो तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल थीटा है ज्योमेट्रिकली तो ये भी थीटा होगा, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये डिस्टेंस अगर डी है तो ये क्या होगा, है ना, नहीं ये डिस्टेंस डी है, सॉरी ये डिस्टेंस डी है, देखें तो ये डी है तो ये हाइपोटेनस है, तो अगर ये डी है तो ये सामने वाली साइड का क्या होगा, डी साइन थीटा। अब ये डी साइन थीटा दो है, एक ये और एक ये, तो कितना हो गया पार्ट डिफरेंस, ट्वाइस डी साइन थीटा। आप देखें यही है यहाँ पे, ये ट्वाइस डी साइन थीटा, अगर ये ट्वाइस डी साइन थीटा लैम्डा के मल्टीपल में हुआ तो मैक्सिमम, नहीं तो मिनिमम। अब ये वहां पे जो इंटरफेरेंस फिनोमिना हुआ उसमें, इसमें उल्टा प्रोसेस में वेवलेंथ फाइंड कर ली गई, वहां से वेवलेंथ निकालना, एक्सरे का वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, एक्सरे का तो वैसे भी वेवलेंथ जो और तरीके निकालने के, अभी हम लोगों ने देखा था लैम्डा ही तो निकाला था, तो वेवलेंथ मालूम है। अब वेवलेंथ अगर मालूम है तो इसके जरिए आप यहां से डी निकाल सकते हैं। तो ब्रैग्स लॉ बेसिकली इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे आप ये डी निकाल लो, इससे स्ट्रक्चर डिफाइन कर लो सॉलिड का, ठीक है, यही है ब्रैग्स लॉ। इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड कैन बी ऑब्टेंड विद द यूज ऑफ दिस लॉ। फाइनली प्रॉपर्टीज थोड़ी सी जान लें, याद करना है कि किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है एक्सरे, तो उसमें तो बहुत सारी बातें तो आपको मालूम होंगी इसमें, कि देखें कुछ बातें हैं कि ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एट ए स्पीड ऑफ इक्वल टू द लाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सीधी लाइन में चलती है और लाइट की स्पीड होगी उसकी, नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चार्ज तो होगा नहीं तो इसलिए डिफ्लेक्ट नहीं होंगी इन फील्ड से। इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट मोर स्ट्रांगली देन विजिबल लाइट, इफेक्ट आता है फोटोग्राफिक प्लेट लगाएंगे तो उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, उस पर स्ट्रांग है काफ़ी। इट पासेस थ्रू फ्लैश बट स्टॉप्ड बाई बोन्स, तो इसीलिए तो बॉडी का एक्सरे निकालने में बोन्स का जो स्ट्रक्चर का पता चलता है इसके जरिए, वो फ्लैश जो है फ्लैश के थ्रू तो पास हो गया लेकिन बोन्स ने उसे रोक लिया तो उससे वो विजिबल हो गया, बोन्स जो है विजिबल हो जाती हैं। दे कैन पास थ्रू स्मॉल थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम वुड एंड प्लास्टिक्स, इनके थ्रू ये पास हो सकती हैं, इतनी पेनिट्रेशन पावर होती है इनकी, लेकिन ये स्टॉप की जा सकती हैं कैसे, हाई डेंसिटी वाले मटेरियल, हाई एटॉमिक नंबर वाले मटेरियल से, कौन से हैं, दे आर स्टॉप्ड बाय मटेरियल्स ऑफ हाई डेंसिटी एंड हाई एटॉमिक नंबर, इनसे ये रोका जा सकता है ना। और एक्सरेज कॉजेस फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस तो आप जानते ही हैं कि किसी सरफेस पे गिर के वो चमक पैदा करना, तो फ्लोरेसेंस ऑन सर्टेन मटेरियल सच एज बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड, इस पे फ्लोरेसेंस क्रिएट करती हैं, और डिफ्रेक्टेड बाय क्रिस्टल्स तो आपने देखा ही अभी, ये प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है।